गाइस ये देखो आ गया है अपना महल, पहुंचने ही वाले हैं गाइस हम। तो देखो गाइस थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है गाइस, अंदर जाके पता चलेगा कि क्या है इसके अंदर। देखो गाइस लहंगा ये रियल है, ये ग्लास के अंदर पैक कर रखा है। ये देखो गाइस ये सारे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का तो आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बहुत बार ही बताया कि हम टूर पे गए आ रखे हैं। और देखो गाइस अभी रात हो रखी है, रात के शायद दो बजने वाले, 2:15 हैं। और गाइस हमने यहाँ पे अभी खाना वाना खाया है क्योंकि 3-4 घंटे हो चुके हैं हमें चले इस वजह से। और देखो गाइस नमन पीछे बैठा है, आपको दिख ही रहा होगा वो बैठा है पीछे गाइस। और अभी जो है मैं आपको पहुँचने के बाद मिलती हूँ गाइस, अभी तो बस में ही बैठेंगे। नमन गाइस मैं बोल रही हूँ, रुको एक बार चले बस में। हाँ गाइस वो डाल दिया होगा तूने, अच्छा ठीक है चलो ठीक है फिर। अभी हम राजस्थान के बहुत करीब हैं गाइस, रात है गाइस रात। गाइस मैं आपको अपनी बस दिखाती हूँ, देखो गाइस हमारी टूरिस्ट बस। नमन चल तू चढ़ आगे आगे, मैं तेरी वीडियो बनाती चलूंगी पीछे से। अब तो बहुत ज्यादा उछलता कूदता चढ़ेगा, चल जा तू पहले आ। बस यहाँ पे बैठते हैं गाइस। और गाइस हम राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। और देखो गाइस कितनी ज़्यादा यहाँ पे कांटे वाले पेड़ हैं जिनको कीकर कहते हैं, और कुछ ही नहीं है यहाँ पे, और मिट्टी मिट्टी है। और अभी अंदर जाएंगे जब तो और बड़ा रेगिस्तान दिखेगा। तो गाइस अब मैं आपको पहुँचने के बाद मिलती हूँ, एक बार नमन की शक्ल देख लो गाइस। सो गाइस सबसे पहले हम देखने आए यहाँ पे करनी माता का मंदिर। और इसके देखो गाइस इसमें बहुत सारे चूहे ही चूहे हैं, नमन दूसरी साइड से बाहर गया। और यहाँ पे गाइस अभी अंदर जाके पता चलेगा आपको कितने चूहे हैं। ये है गाइस इसका मेन डोर एंट्रेंस का, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है गाइस। जल्दी से अंदर चलते हैं उसके बाद दिखाती हूँ गाइस। वो देखो वो तो कबूतर है, शिट मुझे लगा चूहे हैं। अंदर जाके देखते हैं गाइज, मैंने तो देखा नहीं, ये नमन देख के आया था फिर यूँ बोला इसके अंदर बहुत चूहे हैं मत जा। फिर मैंने कहा अब तो मेरे को पक्का जाना है। अभी देखो गाइज यहाँ से स्टार्ट हो गए चूहे पूरा गाइज, देखो बोरे 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 दो ही हैं, ये तो कम ही है, मुझे लगा बहुत सारे हैं गाइज। आगे जाके देखना पड़ेगा, ये देखो गाइज चूहा कितनी पास से देखा मैंने। और इस पे कहते हैं गाइज अगर वाइट कलर का चूहा किसी ने देख लिया ना तो उसकी जो भी वो मांगेगा ना उसकी मनोकामना पूरी होगी। अभी चलते हैं अंदर और कौन सी मनोकामना पूरी होती है। ये गाइज आगे आगे नमन का दोस्त है, ये हमारा गाइड बन के चल रहा है गाइज आगे। ये देखो गाइज चूहा, मुझे डर नहीं लग रहा गाइज, रियली मंदिर में आने के बाद शक्ति मिल गई चूहों से लड़ने की। चलो ना आगे। ओ भाई कितने सारे हैं यहाँ पे गाइस, आराम आराम से पैर रखना पड़ेगा यहाँ पे, इनकी पोटी भी गिरी हुई है। ओ भाई ओ ओ गाइस चूहों की भी हद होती है, जू है तो चूहों का स्पेशल, चूहों का जू भाई साहब। गाइस यहाँ पे एक बार कैमरा मतलब बंद कर दे हैं वीडियो, बाहर जाके दिखाती हूँ गाइज। अंदर ना वो बता रहे थे पैसे लगेंगे वीडियो बनाने के कैमरा के 150। ओह यहाँ पे कितने देखो गाइज, ये रहा बोर्ड कैमरा के 30, फोटो के इतने, इसके वीडियो के इतने, फिर भी हमने तो दिखाई दिया। कोई नहीं गाइज ये सिस्टम तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ओ गाइज वो वाइट चूहा, अरे यार ये तो कबूतर है, मेरे को सारी जगह अभी वाइट चूहे ही दिखने लग गए हैं। ओ यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे सब इनको खाना डाल रहे हैं। करणी माता है ये शायद गाइस, बहुत अच्छे। चलो चलते हैं, आप आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस पसंद आया होगा। चलो अब अगली चीज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखेंगे गाइस। अगला तो शायद महल देख के आएंगे, मैं आपको महल भी दिखाऊंगी गाइस। देखो कितना प्यारा चूहा था है ना, चलो चलते हैं बाहर, चूहे प्यारे नहीं होते शायद होते हैं।
गाइस चलो देखते हैं अंदर महल आ गया है अपना। गाइस बहुत मस्त लग रहा है ना, तो चलो अंदर जाके और भी मस्त लगेगा, जल्दी चलो। गाइस मैं आपको अंदर पहुंचने के बाद दिखाती हूँ अंदर से कैसा लगता है। बहुत भयंकर महल है गाइस, है ना, इतना बड़ा महल गाइस, जिसका नाम है जूनागढ़ फोर्ट, जिसको पहले गाइस कहते थे सी से नाम था गाइस, पहले इसका कुछ और था और अभी इसका जूनागढ़ रखा है थोड़े से दिन, मतलब अभी 2-3 साल पहले रखा है। लेट्स गो गाइस, गाइस जल्दी करो जूते पहनो, इसके बाद चलना है बाहर। गाइस हम किले के अंदर आ चुके हैं। नमन ओपी गाइस, क्या किला है देखो, ये रोकने के लिए उधर बाजे देखो गाइस कितने भयंकर हैं, अभी तो ये रोक फुल जाते, ये रोक जाते हैं वैसे तो अभी। हाँ इस पे लिख रखा है अंदर भी ना जा सकते। हाँ इसमें हमने देखा था ना सर्च करके, जल्दी जल्दी देखते, बहुत सारे किले देख के आने हैं। पार्किंग टू व्हीलर ये भी देखो। टिकट के और उन सभी चीजों के कैमरे वगैरह मूवी वगैरह के पैसे हैं पर जो हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखो गाइस पुराने जमाने की बंदूक जिसको हम तो भी कह सकते हैं, और ये है पूरा महल जिसके अंदर अब हम देख के आएंगे गाइस, अभी गए नहीं है और है ना। और ये देखो गाइस ये सभी अपनी वीडियो फोटो बना रही हैं यहाँ पे खड़ी हो के, और इसके अंदर देखो गाइस फ़ोन को दिख रहा हो, मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि ऊपर आत करके फ़ोन में मैं वीडियो में दिखा सकती हूँ, और अभी देखते हैं आगे। सो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं किला देखने के लिए, तो पहले किधर से शुरू करें, चलो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा खोल के। गाइज ये देखो यहाँ पे हम आए सबसे पहले, और ऊपर ये जो जूनागढ़ के महाराज थे ना उन्होंने 3 काम किए थे, तो इसलिए उनके बना रखे चित्र। ये बिजली लेके आए थे और वोटर लेके आए थे राजस्थान में, और ये 3 फोटो लेके आए थे गाइज, इनमें से जो बना रखे ये चित्र दिखा रखे। ये बहुत ही खूबसूरत टैंक बना देख रहे हैं जिसको पानी से भर के रखते, और उसके बीच में जो छतरी बनी उसमें राजा बैठे होते, और उनके जो खास मेहमान होते थे वो टैंक के चारों तरफ से खड़े होकर कलर और पानी फेंक के होली खिलाते थे। तो टिपिकली ये होली खेलने के लिए काम में लेते, रानियां स्पेशली झरोखों से देखती थी क्योंकि घूंघट पड़ता थी, तो स्पेशली बालकोनी के साथ यूज करती, जैसे ये खुली बालकोनी देख रहे हैं छत के ऊपर खड़ी हो जाती, वहां से पिचकारी के द्वारा होली खेलती थी, तो ये होली खेलने के लिए काम में लेते थे, राजा महाराजा जब भी रहते तो होली खेलते थे क्या आपको। और ये सारे हैं, और ये जो ऊपर छत पे जाल दिख रहा है गाइस पुराने टाइम का ही है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये जाल लेके आए थे इंग्लैंड से पता नहीं कहाँ से गाइस। गाइस ये जाल भी पुराने टाइम का, अब हम देखने जा रहे हैं अंदर क्या है अंदर। गाइस यहाँ पे बाहर देखो होली भी खेलते थे, और अभी हम अंदर आ चुके हैं गाइस, और ये सब कुछ है अंदर का। और ये देखो गाइस यहाँ पे राजा की कुर्सी, और पीछे सारा सोने का काम हो रखा है, ओनली एंड ओनली गोल्ड। और गाइस ये है बादल महल, और गाइस यहाँ पे बारिश होती हुए भी ऐसा नज़ारा होता है ऐसे यहाँ पे माना जाता था, और ये सारे यहाँ के महाराज हैं देवता, और ये सारे के सारे बजाने वाले। और ये गाइस पुराने टाइम की तलवार और शंख, और यहाँ पे जो भी मशहूर थे राजा महाराजा के वो सब है यहाँ का। ये देखो गाइस ये है यहाँ का महल जो कि सबसे खूबसूरत बताया जाता है, इससे खूबसूरत नहीं है कुछ। ऊपर देखो गाइस ऊपर का डिज़ाइन तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, और ये मैट भी गाइस पुराने टाइम का ही है भाई साहब, बहुत ओपी है गाइस ये, बहुत ज़्यादा ओपी। और ये सारे के सारे शीशे यहाँ पे, अगर एक लाइट जला दे तो पूरे में रोशनी हो जाती थी। और ये फोटो बना रखा उस टाइम पे 3D फोटोज ऐसे ही होते थे गाइस। और ये गाइस वहाँ का राजा का झूला है शाही, ये घूमते थे गाइस ये लड़की वगैरह जब ये चलता था, तो अब ख़राब हो गया है। और ये गाइस इनके ऊपर खड़े होके नाचते थे गाइस आदमी, क्या ही मतलब एक वो ट्राइब थी।
और ये यहाँ के फोटो ही हैं उसी जगह के। और ये और देख लो गाइस, यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। ये भी गाइस यहाँ से वही है, ये भी इस पे खड़े होके नाचते थे। और गाइस ये यहाँ पे राजा की बिस्तर। गाइस ज्यादातर मैंने सारा महल देख लिया बट अभी थोड़ा बहुत रहता है, तो चलो देखते हैं। गाइस ये अखरोट के पेड़ की वुड है, मैं आपको सारे मेन मेन चीजें दिखा रही हूँ। ये पतले रास्ते बनाए जाते थे और ये रॉयल टेबल है और ये राजा की चारपाई है जो मैंने दिखा दी थी और ये ढाल है, तबला है। ये गाइस रियल है, महाराजा गंगा सिंह जी को गिफ्ट में मिला था। हाँ, और ये सारी पालकी वालकियाँ हैं और इसको दीवाने, पता नहीं दीवाने खास कह रहे हैं शायद, यस ओके। और गाइस ये वही दीवाने खास है, इसमें सारे के सारे राजा पीते थे चाय वगैरह। ये राजा की ड्रेस है गाइस, कितना भयंकर, कितना बड़ा राजा होता था, इतना ज़्यादा बड़ा। इनकी हाइट भी इतनी लंबी लंबी होती थी गाइस, 8 फुट तो नॉर्मल हाइट थी इनकी, 8 फुट, और 6 फुट तो बिल्कुल नीचा राजा हुआ करता था जिसकी हाइट ही नहीं निकलती थी। ये सब कुछ भी गाइस राजा के छोटे मॉडल हैं, कैसे बनते थे गाइस, बटन वगैरह। ये खुजली करने का भी है गाइस, यहाँ पे क्या है, प्लीज़ डोंट टच। ठीक है भाई, नहीं हमने तो छेड़ना ही नहीं है। ये गाइस अभी रॉयल फैमिलीज जो रहती हैं वहाँ के चित्र हैं, उनके थोड़े से मतलब ऐसे कि वो अभी भी रॉयल तरीके से ही रहती हैं। ये गाइस सब कुछ पुराना है, मतलब यहाँ पे रहते थे गाइस। ये बेड है और ये कितना शानदार है गाइस, मतलब मैंने तो ऐसा ही बेड चाहिए मेरे को तो, अभी तो मेरे को यही बेड यहाँ से ले जाऊँगी गाइस, मैं रात को निकाल ले जाऊँगी। मजाक कर रही हूँ गाइस। ये देखो ये मैं खड़ी हूँ, ये पीछे नमन खड़ा है बावली पूछ। और आगे चलते हैं गाइस, ये देखो गाइस क्या मिरर है, वाह ये मिरर भी अच्छा है, ये मिरर भी अच्छा है। और ये सब कुछ बहुत बेस्ट है गाइस, मतलब पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें, वैसे ये पुराने ज़माने की नहीं है, 20th century की है आप बता दें गाइस। और ये देखो गाइस हवा करने के, ये भी मस्त है गाइस, सब कुछ अच्छा है। ये कटलरी गाइस, इनमें कभी उन्होंने खाना खाया होगा सच्ची में। और ये परस देखो महारानी का, और ये हैंड फैन, वाह भाई वाह। और ये देखो गाइस संदूक तराजू, इसके अंदर पैसे छुपा के रखते थे गाइस। अभी बाहर निकलते हैं और अभी गाइस चलते हैं दूसरे एग्जीबिशन में। इसमें है गाइस ये देखो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, मस्त है गाइस। ओ ये क्या है, ओ ये भी मस्त है गाइस। ये सारे पिक्चर वगैरह है इस दूसरे में तो बस, और कुछ काम की चीज नहीं है। मिरर है, मिरर भी थोड़ी सी काम की चीज़ है, इसमें मैं अपनी शक्ल दिखा सकती हूँ आपको। ये देखो खुजली करने का गाइस, ये सच्ची में इतने खुजली करने के क्यों रखते थे। ओ भाई ये देखो गाइस, ये भी वही है। और ये देख लो गाइस, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस जो मैं देखा है। ओके अच्छा है सब कुछ। और गाइस इसमें मैं एक चीज़ और चित्र दिखाती हूँ आपको, इसमें देखो गाइस, इसमें ये हैं गाइस अंबेडकर, ये हैं गंगा सिंह राजा इनके, और ये हैं गाइस पंजाब के राजा। ये सारी मतलब सभा हुआ करती थी देश को बचाने के लिए, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था ये। राजा की कुर्सी, मेरे को जुखाम हो गया गाइस, राजा की कुर्सी भी इतनी मस्त है। और देखो गाइस वो रियल शेर की खाल को फाड़ के और पुतले पे चढ़ा रखा है, मतलब ये रियल है, मैं टच नहीं कर सकती, हो जा भाई हाथ भी नहीं लग। गाइस महारानियों के लिए बैठने के लिए, दुल्हन महारानी के लिए बैठने के लिए, या फिर सिंपल महारानी बैठ सकती है। एक जमाने में इसमें महारानियां बैठती थी गाइस, वो फीलिंग लेने का मजा ही अलग है गाइस। चलो काश हम भी बैठ सकते, कोई नहीं बट कौन उठाएगा गाइस इसके बाद इसको। ये भी मस्त है, ये भी कितनी अच्छी है गाइस, जिसके अंदर भी महारानी बैठती थी। चलो सब कुछ अच्छा है, ये सारा देख लिया हमने, वेरी गुड।
गाइज ये सारे ड्रेसेस है जो रानियां पहनती थी, लहंगे रानियों के, महारानियों के। ये इधर भी एक और लहंगा है, ये सारे लहंगे पहने जाने वाले। ये भी लहंगा गाइज, ये सारे लहंगे हैं। ये भी, ये नीचे के दामन है। और ये छोटी छोटी रानियों के लिए, छोटे महाराजा के लिए ये चादर बिछाई जाती थी, तकिए, शाही तकिए। चुभते नहीं थे गाइस, इतने हीरे मोती लगा रखे तकियों के अंदर। चलो कोई नहीं, उधर देखते हैं। ये भी अपर सूट वूट, ये भी सब कुछ वही है। टेबल चेयर सूट बूट ऊपर नीचे सब कुछ यही है गाइस। कटलरी वेरी गुड। चलो चले अगली में, ऊपर चलते हैं, ये कह रहे हैं ऊपर भी है। गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप कि आप सभी को पसंद आया है। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।